मैं आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के बहुत बेहतरीन तरीके आपको बताऊंगा, जिससे कि कम से कम समय में आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। ये जानते हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे की जाती है और इसका बेसिक स्टेप क्या है टाइपिंग स्पीड को करने के लिए। टाइपिंग स्पीड बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और सही तरीके से हमें टाइपिंग करनी होती है, तभी हम टाइपिंग की स्पीड को अच्छी तरह से बना सकते हैं। और किस तरह से टाइपिंग करना है, टाइपिंग मास्टर के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि टाइपिंग स्पीड का हम यूज कैसे करें और किस तरीके से हम टाइपिंग का स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल होना चाहिए। यहां से आप कंटिन्यू करेंगे, एंटर, और यहां पे सबसे पहले अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहां पे कोर्स है, रिव्यू है, टाइपिंग टेस्ट है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो डायरेक्ट आपको टाइपिंग टेस्ट के ऊपर नहीं जाना है, मतलब यहां पे आपको सबसे पहले नहीं पहुंचना है। तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको जाना है कोर्स पे। कोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे लेसन्स दिए होते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं ये सारे लेसन्स हैं इसके अंदर। इन्हीं लेसन के द्वारा आपको काम करना है। तो हमें टाइपिंग करनी कैसे है, हम किस लेसन से शुरू करेंगे सबसे पहले टाइपिंग करने के लिए, तो वही चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको टाइपिंग करने के लिए किस तरह के स्टेप को फॉलो करना पड़ सकता है। तो पहला नियम जो है टाइपिंग करने का, कि आपको कोर्स से शुरू करना है। कोर्स में लेसन नंबर 1 जो कि आप यहां देख सकते हैं, तो सबसे पहले लेसन नंबर 1 पे आपको कुछ चीजें आपको बता दूं कि टाइपिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको फिंगर कैसे रखना है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो रखना है लास्ट फिंगर को ए पे, उसके बाद एस, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। थंब से आप स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं दोनों में से किसी भी हाथ का यूज करके। राइट हैंड से पहला फिंगर जे, सेकंड के, एल और सेमीकोलन। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप टाइपिंग करें तो आपके फिंगर को उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में दिया गया है। ये नहीं कि आप किसी और बटन को किसी और बटन से दबा रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेसन नंबर 1 पॉइंट से शुरू करना है। शुरू करने के बाद आपको यहां से टाइपिंग शुरू कर देनी है। अब आपको यहां पे कुछ चीज दिख रहा होगा, जैसे ए ब्लू कलर में है, यहां पे ए हल्का कलर हो रहा है और इस जगह पे आपको एक डॉट दिखा रहा है। अब बात यह आती है कि जब कोई भी नया पर्सन स्टार्ट करता है टाइपिंग के लिए, तो उसको समझ में नहीं आता कि अब हम उसे प्रेस कैसे करें। तो जब भी आप प्रेस करें आपको स्क्रीन देख के ही करना है, आपको कीबोर्ड नहीं देखना है, लेकिन उंगलियों को आपको इसके ऊपर ही रखना है। तो जैसे कि अगर आपको टाइप करना है ए, तो आपको दिखा रहा है कि ए आपको इस फिंगर से प्रेस करना है, तो आपको इसी से ही करना है। फिर उसके बाद अगली की करनी है, फिर उसके बाद, और टाइप आपको करना है ये चीज, ये ध्यान से देखना। तो देखो पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, ए ए स्पेस, तो देखो इसे किस तरह से टाइप करेंगे। तो पहले प्रेस करना है ए, फिर उसके बाद ए और थंब से स्पेस। दूसरा जो है पॉइंटर, अब आ गया एस। अब आप देख सकते हैं फिंगर यहाँ पे एस का चेंज हो गया है, तो आपको प्रेस करना है एस एस स्पेस, उसके बाद डी, तो डी डी स्पेस, एफ एफ स्पेस। अब आगे बढ़ गया, इसके बाद आपका जो राइट हैंड है उसका की आ गया, फिंगर आपको उसी तरह से रखना है जे के एल सेमी कॉलन, तो जे जे स्पेस के और थंब से स्पेस जरूर दबाना है, एल एल स्पेस सेमी कॉलन स्पेस। ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको टाइम दिखा रहा है कि आपको कितना देर टाइप करना है इसे, तो ये 5 मिनट का लेसन है और आपको 5 मिनट तक एटलीस्ट ये टाइपिंग करनी ही करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ और कितनी मेरी स्पीड बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो मैंने ये टाइपिंग आपको करके दिखाया। अब देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना था, लेकिन आप पूरा टाइम लेंगे जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं हो जाए।
कंप्लीट होने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये चीज शो कर रहा है। अब ये चीज को जरा समझिए, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 54 सेकेंड। तो मैंने इतना समय इसका इस्तेमाल किया, मेरी जो ग्रॉस स्पीड आ रही है वो 26 पर वर्ड मिनट आ रही है, एक्यूरेसी है 98%। आपको कम से कम 90 से ऊपर एक्यूरेसी रखनी है हमेशा, 90 से कम नहीं, 90 से ऊपर रखना है। जल्दी ज्यादा तेजी से शुरू से करने की वजह से आप ज्यादा गलती करेंगे, तो ज्यादा गलती नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे लेके चलना है। और आपकी नेट स्पीड आएगी 26 आई हुई है, तो देखो यहाँ पे ज्यादा मैंने गलती की नहीं, इसलिए मेरी दोनों स्पीड सही है। कभी भी आप अपनी स्पीड को ग्रॉस से कभी मैच टैली करिए, आप नेट से करिए। नेट से इसलिए करना है क्योंकि आपकी जो एरर होगी वो नेट के अकॉर्डिंग काम करती है, इसीलिए आपको स्पीड जो चेक करना है वो नेट स्पीड से चेक करना है। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिखाता है, तो यहाँ पे जो गोल है 94% का गोल है मेरा, वेरी गुड कंडीशन आई है। यहाँ पे ये जो है ओके है, डी ओके है, एल ओके है। अगर मैं इस कैटेगरी में आता तो यहाँ पे मुझे दिखाता कि मुझे डिफिकल्ट कितना आ रहा है और सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम किस में आ रहा है, तो उस वर्ड को यहाँ पे जरूर दिखाया जाता। तो मेरी बात ये है कि आपको टाइपिंग इसी तरीके से करनी है। अब बात आती है कि हम एक चैप्टर में कितना वक्त दें, फिर हम दूसरे चैप्टर पे कितना वक्त दें, ऐसे करके हम कितनी समय लगा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपको एक चैप्टर जो कि आपका पहला चैप्टर है 1.2, तो इस चैप्टर में जब आप टाइपिंग टेस्ट शुरू करेंगे और जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कम से कम 20 की स्पीड लेकर आनी है। कितनी की स्पीड? 20 की। अगर जब टाइपिंग करेंगे तो आप चेक करें कि आपकी नेट स्पीड कितनी आ रही है, अगर वो 20 आ रही है तो आपको इस लेसन को दोबारा नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि भाई दोबारा क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप 20 लेकर आ जाते हैं बगैर देखे कीबोर्ड को टाइप करके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो की है वो इसके ऊपर सेट हो गई है। अगर हम एक ही चैप्टर पे लगे रहेंगे 30 40 50 60 लेकर आएंगे, फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे हमें उस तरह का प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगा, फिर हमें उस पे ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो हमें हार्ड नहीं करना है, हमें स्मार्ट करना है। अब आपको आगे बढ़ना है 1.4 चैप्टर पे। अब 1.4 आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा चेंज हो गया है। अब इसमें फिर टाइपिंग करनी है, इसमें भी आपकी कम आएगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो इस तरह से आपको स्पीड बढ़ानी है। ये तो मेरा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप होता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके हाथों में दर्द होने लगता है, आपकी कलाइयों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आप कंटिन्यू लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे टाइपिंग करेंगे तो ऐसा होगा ही। तो इस तरह नहीं करना है टाइपिंग, आप 2 बार करके 4 बार करके उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट का गैप ले लें, उस गैप के बाद फिर से टाइप करें। टाइपिंग करते वक्त आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में बैठे, क्योंकि अगर आप टाइपिंग करते वक्त बिल्कुल सीधा नहीं बैठेंगे, चेयर पे बैठे, ये नहीं कि आपने बेड पे लैपटॉप रखा और टाइपिंग शुरू कर दी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, चेयर पे बैठना है, उसके बाद आपको टाइपिंग करनी है। एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको स्पीड बनाने में काफी फोकस होगा और आप सही तरीके से टाइपिंग कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको अच्छा एफर्ट देना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 2 दिन में मैं सीख लूंगा, 4 दिन में सीख लूंगा, 10 दिन में सीख लूंगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको एक चैप्टर में 20 की स्पीड लानी है, फिर उसके बाद जैसे 1.6 करेंगे तो इसके अंदर आपको 20 की लेकर आनी है। ऐसे करते हुए आपको दूसरे लेसन पे भी जाना है, इसे करते हुए आपको तीसरे पे भी जाना है, आपको ये 12 तक खत्म करना है। अगर ये 12 तक आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सीधे पहुंचना है टाइपिंग टेस्ट पे, और यहाँ पे कम से कम 5 मिनट का टाइपिंग आपको लेना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आप इसके ऊपर टाइपिंग करेंगे, जब आपकी स्पीड इस पे आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद आपकी स्पीड इस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगेगी और आपका बहुत बढ़िया टाइपिंग स्पीड बन जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप 1 महीने का लॉकडाउन है, 1 महीने के अंदर आपकी इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी कि आपके आपको मजा आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, और आप इस तरह से फॉलो करें, आप विश्वास मानिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी आएगी। मेरी जो अगली वीडियो है उसमें मैं एक लेसन को टाइप करके आपको दिखाऊंगा
कि मेरी स्पीड कितनी है उस टाइपिंग के अंदर में, उस टाइपिंग टेस्ट में कितनी अच्छी मेरी स्पीड है, और उस स्पीड से आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस की और यही प्रैक्टिस मेरे लिए मेरी स्पीड को बनाने में मेरी मदद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी और आपकी ये मदद कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर आप इस वीडियो से बेनिफिट लेते हैं तो कोशिश करिए कि इस वीडियो से और लोगों को भी अच्छी बेनिफिट मिल सके। और वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत विनती है। और घर में ही रहें, घर से ही कंप्यूटर से काम करें और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें और नई नई चीजों को सीखते रहें। धन्यवाद।